तो शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे हुआ ये क्रैश। अगर आपका मन है 650 सीसी की एक बाइक लेना और आपके दिमाग में सिर्फ GT 650 इंटरसेप्टर और शॉटगन जैसी बाइक आती हैं, तो इस सेगमेंट में एक और बाइक आती है और ये है BSA गोल्ड स्टार 650। तो आज मैं तुम्हारे लिए इस बाइक का डिटेल रिव्यू करूंगा और इसकी एक लॉन्ग टेस्ट राइड करेंगे और देखते हैं ये बाइक इंटरसेप्टर और GT कॉन्टिनेंटल से बेहतर है कि नहीं। और वीडियो एंड तक देखना क्योंकि तुम्हारे सारे डाउट 650 सेगमेंट को लेके मैं आज क्लियर करने वाला हूं। सो गाइस, ये है BSA गोल्ड स्टार लेगेसी एडिशन। इस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 3,35,000 एरिया, ऑन रोड आपको पड़ेगा 3,90,000 के अराउंड। ये बाइक रेट्रो क्लासिक सेगमेंट में आती है और काफी यूनिक ये बाइक होने वाली है। इस बाइक के चार मॉडल्स आते हैं और बेस मॉडल का प्राइस आपको 2,99,000 एक्स शोरूम और ये अराउंड 3,50,000 के अराउंड ऑन रोड पड़ेगा। और ये सामने है इसका शेडो ब्लैक वेरियंट और शेडो ब्लैक का आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है 3,67,000। अभी ये रेट्रो क्लासिक बाइक है तो हेडलाइट इसमें आपको हेलोजनी मिलने वाली है। रेट्रो क्लासिक बाइक में मॉडर्न टेक फीचर्स कम मिलते हैं लेकिन यूजफुल फीचर्स इसमें काफी मिल रहे हैं आपको। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बिल्कुल GT 650 की याद दिलाएगा। ये एनालॉग मीटर है पर इसमें एक और मीटर दिया है यहाँ पे छोटा सा, इसमें आपको गियर न्यूट्रल फ्यूल और ये सारी चीजें ABS वाली यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यूजफुल फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, बाकी सब नॉर्मल स्विचेस हैं लाइक हॉर्न इंडिकेटर और ये सब चीजें। उसके अलावा आई बटन यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल, किल स्विच और ये हैजार्ड वार्निंग लाइट का स्विच मिल जाता है यहाँ पे, जिससे चारों इंडिकेटर आपके एक साथ जलेंगे। इस बाइक की काफी इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती की दी है कंपनी ने बाइक में, इतनी अच्छी की मतलब कमी देखने को मिलती है। तो गाइस इंजन की बात करें तो इसमें मिलता है 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 45.6 BHP ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 55 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर हम इसे इंटरसेप्टर की पावर से कंपेयर करें तो इंटरसेप्टर में 2 BHP ऑफ मैक्सिमम पावर इससे ज्यादा है, जबकि मैक्सिमम टॉर्क BSA में 3 Nm ज्यादा है इंटरसेप्टर से। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में मिलता है 100/90R18 और जैसे रेट्रो क्लासिक बाइक है तो इसमें स्पोक व्हील से मिलने वाले। ब्रेकिंग की बात करूं तो भाई इसमें ब्रेम्बो की ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। फ्यूल टैंक इसमें मिलता है हमें 12 लीटर का और कंपनी ने एक स्पेशल लोगो दिया अपनी ब्रांडिंग का, ये देख सकते हो आप, 3 guns बन रही हैं यहाँ पे बेसिकली। सस्पेंशन इसमें हमें मिलता है ट्विन शॉक अब्सॉर्बर विद 5-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड। एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें हमें सिंगल पाइप मिलता है जबकि रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी वाली में हमें ड्यूल साइलेंसर मिलते हैं। रियर टायर साइज में मिलता है हमें 150/70R17, काफी वाइड इसका रियर टायर है। सीट की कुशनिंग की बात करूं तो काफी कंफर्टेबल मुझे सीट लग रही है कि लॉन्ग राइड इस पे काफी अच्छे से की जा सकती है। टेल लाइट्स की बात करें तो इसमें नॉर्मल ट्रेडिशनल टेल लाइट सेटअप है जो कि ऑल हैलोजन होने वाली है। मडगार्ड इसका शॉर्टेंड है, काफी अच्छा लग रहा है। एक बार इसकी टेल लाइट सेटअप ऑन करके देखते हैं कैसे इसकी हैलोजन लाइट लगने वाली है। तो ऐसी कुछ इसकी टेल लाइट होने वाली है, नॉर्मल हैलोजन ही है। एग्जॉस्ट में अभी DB कलर लगा हुआ है क्योंकि कंपनी से DB कलर फिटेड आता है। इसका जो चेन स्पोकेट है ना वो राइट साइड में है और डिस्क ब्रेक जो है वो लेफ्ट में। लुक्स में तो गाइस मतलब क्लासिक बाइक अकॉर्डिंग काफी अपीलिंग है बाइक लग रही है। लुक्स के साथ साथ चलने में कितनी अच्छी है वो भी हम इसे टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे। मीनवाइल इसमें हमें लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है और ये बहुत ही जबरदस्त चीज है क्योंकि रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी में किसी में भी हमें लिक्विड कूल इंजन नहीं मिलता है और उन बाइक में इसीलिए हीटिंग इशू बहुत आता है। और इसे राइड करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि ये बाइक कितना हीट करती है। और इस बाइक का जो टॉप मॉडल है ना इसका एलॉय अलग ही टाइप का है, आई थिंक ये कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय है, काफी अच्छी इनकी फिनिशिंग हुई भी है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें मिलता है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोक विद कवर ट्यूब 120mm स्ट्रोक। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका मैं तुम्हें क्लोजअप में दिखाता हूं। ये देखो यहां छोटी सी डिस्प्ले दी हुई है, यहां पे एक छोटी सी डिस्प्ले है, छोटा छोटा दिख रहा है, बाकी इसकी टॉप स्पीड 200 km/h है। आई थिंक राइड करते हुए हार्डली दिखे। अब देखो दूसरा RPM वाला मीटर है, इसमें भी एक छोटी डिस्प्ले है और फ्यूल गेज है। इसके अलावा एक छोटा मीटर यहाँ हेडलाइट पे दिया हुआ है जिसमें आपको इंजन लाइट, न्यूट्रल, ABS ये सब चीजें देखेंगे, लेकिन ये यूजलेस है आई थिंक राइड करते हुए यहाँ पे नहीं देख पाएंगे हम। फ्यूल रिफिलिंग पोर्ट एक साइड में दिया है, काफी अच्छा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की सिटिंग पॉस्चर एंड राइडिंग पोजीशन की। तो मेरी हाइट है 5'8" और बाइक की सीट हाइट है 782mm, तो मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, मेरा पूरा कंट्रोल ग्राउंड पे है। राइडिंग पॉस्चर एकदम मतलब मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, मैं आराम से बैठा हूँ सीधा और काफी लॉन्ग राइड इस पे आगे पीछे थोड़ा सा होकर बैठ के की जा सकती है। बाइक की टोटल लेंथ है 2206mm, व्हील बेस है 1425mm, ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है 155mm, इसका कर्व वेट है 201kg। अब इतना वेट होना तो लाजमी है इस बाइक का। फ्रंट से लुक कुछ ऐसा दिखने वाला है इस बाइक का, ऑपोजिट साइड से कुछ ऐसा लुक आता है इसका, मतलब काफी अच्छी मुझे तो ये मतलब बाइक लग रही है वो भी इस कलर में। तो गाइस फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी, अब करते हैं BSA की टेस्ट ड्राइव, ये बाइक कितनी एंथुजियास्टिक और GT से बेहतर होने वाली है नहीं, तो ये आज हम चेक करेंगे सर राइड करके। तो हाइट तो इसकी अच्छी है, मेरी 42.1 से थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा है लेकिन पैर मेरे फिर भी पूरे आ रहे हैं। तो ये हुआ इसका इग्निशन ऑन और यहाँ से हमने स्विच ऑन किया और ये इसकी साउंड क्वालिटी है। चलिए शुरू करते हैं। ओहो व्हाट अ टॉर्क मैन, व्हाट अ टॉर्क,
हल्का सा क्लच छोड़ते क्या उठी है बाइक भाई, क्योंकि ये 650 सीसी की है भाई, इसकी ऑब्वियसली पिकअप तगड़ा होने वाला है। और पहला इंप्रेशन, ओ हो क्या उठी है भाई, मजा आ गया। ओ मजेदार पिकअप भाई, मजेदार। व्हाट एन अमेजिंग राइड ब्रो, व्हाट एन अमेजिंग राइड। ब्रेकिंग भी देख लेते हैं, जबरदस्त ब्रेकिंग भाई, ब्रेम्बो की ब्रेकिंग इस बाइक में मिलती है और जबरदस्त ब्रेकिंग इस बाइक की है। और पिकअप तो नो डाउट अच्छा है, फिलहाल थोड़ी सी ओल्ड स्टार्ट है इसलिए थोड़ा सा इंजन मिस कर रहा है अभी, थोड़ी सी और अभी हीट हो जाएगी तो आगे इसकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी, लेकिन नो डाउट काफ़ी रिफाइन इंजन है। मज़ेदार मज़ेदार, ओवरऑल राइडिंग पॉस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है। और टैंक का मेरा व्यू आप देख सकते हो, ज़बरदस्त इसका व्यू दिख रहा है सामने से। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सिमिलर टू जीटी, और थोड़ा सा इसमें एक नई चीज़ ये है कि इसका जो इंजन लाइट और ये सब जो यहाँ पे एरर्स आते हैं वो यहाँ दिखेंगे आपको, ABS एंड गियर न्यूट्रल एंड वो सारी चीज़ें इस वाले मीटर में दिखेंगी। ये वाला मीटर जो है ये मोस्ट मतलब सिमिलर है काफ़ी जीटी से, वही मीटर है। आपको USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिल जाता है, मिरर्स अच्छे हैं क्योंकि यहाँ वाले साइड वाले मिरर्स हैंडल को और ज़्यादा थोड़ा सा स्टाइलिंग तो हो जाता है लेकिन थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है और ज़्यादा, बट नो डाउट राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस पर कि भाई निकल के भाग रही है आज से। 650 सीसी का इसमें इंजन है लेकिन ये सिंगल सिलेंडर इंजन है, क्योंकि GT में आता है ट्विन पैरेलल इंजन और इसमें है आपका सिंगल सिलेंडर इंजन, लेकिन नो डाउट परफॉर्मेंस सिंगल सिलेंडर की अच्छी है। बट हाँ, आई एम मिसिंग द साउंड ऑफ द GT क्योंकि इसमें ट्विन पैरेलल इंजन है, ड्यूल एग्जॉस्ट है, उसमें फ्यूल अच्छे से बर्न आउट होता है और साउंड GT की बहुत प्यारी आती है। इसका मीटर नहीं चल रहा है क्योंकि नई बाइक है, इंजन टॉप स्पीड का नहीं पता चल पाएगा क्योंकि इसमें मीटर कंसोल बंद है। कोई बात नहीं, फिलहाल इसे ऐसे राइड करते हैं और देखते हैं कि क्या मज़ा ये बाइक देने वाली है भाई आज। एक डाउनशिफ्ट, मिस कर दिया, ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एकदम कंट्रोल हो रही है भाई। अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो इतनी डिमांडिंग बाइक है कि लोग उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं सीधा खरीदते हैं, तो ना तो शोरूम वाले रखते हैं टेस्ट राइड के लिए और ना उन्हें ज़रूरत है उसकी टेस्ट राइड देने की, क्योंकि जो GT का कस्टमर है वो पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके आता है कि उसे GT ही लेनी है, वो पहले ही मतलब सॉर्टेड होता है कि हाँ GT लेनी है। जैसे मेरा अपना मन है कि हाँ अगर कभी हुआ 650 में जाने का तो हाँ GT ज़रूर लेंगे। इनिशियल पिकअप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। बाद में लगभग 4000 RPM के बाद ये या तो डिफ़ॉल्ट बाइक में है, ये अभी शोरूम वाले से पता करना पड़ेगा, लेकिन नई बाइक आई गैस होना नहीं चाहिए। अब ये मैं दोबारा पिकअप करता हूँ एक बार, ये मिस जो हो रहा है ना 4000 RPM के बाद, ये सही नहीं है भाई, ये मिस नहीं होना चाहिए, तो मेरी जावा में नहीं होता। मीटर तो है नहीं हमारे पास, पता नहीं चल पाएगा, लेकिन टॉप स्पीड इसकी मीटर में दे रखी है 200 km/h। रियलिटी में नहीं पता चल पाएगा क्योंकि मीटर भाई नहीं चल रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बाइक की अच्छी है, नो डाउट सिंगल एग्जॉस्ट है, लेकिन डीप व्हीलर निकालने के बाद है कि साउंड अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी GT के साउंड मतलब वो तो ऑल टाइम हिट साउंड है। उसमें आप जो है ट्विन पैरेलल इंजन है, उसमें आप अगर ड्यूल एग्जॉस्ट घुसते वक्त या कौन से आते हैं दूसरे घुसते वक्त आते हैं, पिकअप बहुत मजा आता है। मजेदार मजेदार
देखो ब्रेकिंग ज़बरदस्त है और हैंडल वॉबल इशू इसमें नहीं है, क्योंकि ये BSA है, ये GT650 नहीं है। GT650 में हैंडल वॉबल का इशू आता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो स्पीड का तो नहीं पता चल रहा, लेकिन अराउंड 100 के करीब तो मैं तोड़ के देखूँ। देखो इसमें हैंडल वॉबलिंग इशू नहीं है, BSA में इसमें हैंडल वॉबलिंग इशू नहीं आ रहा, जो कि GT में है। और पिकअप ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त पिकअप है सर। ये बहुत गंदा सीन था भाई, इसमें बहुत ही गंदा सीन था, बहुत ही गंदा। कंट्रोल हो गई भाई, वरना ऑलमोस्ट घुसते घुसते बचाऊं भाई अभी मैं। ओफ हो गया था गेम भाई, बाल बाल बच गया वो बाइक वाला। ये क्या चोट था भाई, बाल बाल बच गया मैं इससे भी, बाल बाल। ये तो इसमें नहीं होता। ओह स्लिप कर गई थी बाइक भाई, ABS काम नहीं किया, क्या नहीं किया, पूरी बाइक स्लिप कर गई, मेरा दिल मुंह में आ गया भाई। लेकिन ये चीज़ भाई, ABS का फिर मकसद क्या है, ABS क्यों नहीं काम किया भाई। ओफो मरते मरते बचा भाई, वो बाइक वाला गया ही था, वो बाइक वाला गया था और मैं भी गया था, बचना मुश्किल था। हुआ क्या था, ABS का मकसद क्या है, टायर स्लिप क्यों हुआ भाई, क्या कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ABS काम नहीं किया, यानी कि ब्रेकिंग में प्रॉब्लम है इस बाइक की। हैवी ब्रेक हमने जावा में भी लिए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि बाइक जो है रोड पे स्लिप कर गई हो। अब एक बार इसे दोबारा खींचते हैं रोड के साइड में रुक के। देखो इनिशियल पिकअप तो बाइक में तकड़ा है, ये देखो ये इनिशियल पिकअप ज़बरदस्त है पिकअप। इनिशियल व्हीली आई गैस एकदम हो जाएगी, क्योंकि 650 भाई इस बाइक में है और सिंगल सिलेंडर है, काफ़ी अच्छा इस बाइक का पिकअप होने वाला है। इंजन साउंड थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी हीट हो गई है तो इसमें थोड़ा सा क्वालिटी बढ़िया है, हैंडल वॉबलिंग इशू नहीं है और वाइब्रेशन भी मतलब मिनिमल सी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन भी ज़्यादा हैंडल बार में मुझे फील नहीं हो रही है। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रही कि बाइक स्लिप कैसे हुई। तो आइडल पोजीशन पे ये है इसकी, ये इसकी साउंड होने वाली, लेकिन ये जो मिस कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम है इसमें। और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है बाइक की, चली अच्छी है, लेकिन ब्रेकिंग में मुझे थोड़ा सा इसमें इशू लग रहा है। ब्रेम्बो के ब्रेकिंग है, उसके बाद भी ये पूरी स्किड करी है रोड पे, अभी इतनी गंदी स्किड की है कि भाई मैं घुसते घुसते बचाऊँ लिटरली उस बाइक वाले में मैं घुस जाता, क्योंकि टायर स्लिप हो गए इसके दोनों। क्यों हुआ, ABS फेल हुआ, इस बारे में भी शोरूम पे बात कर देंगे। मे बी ये डिफॉल्टर बाइक हो सकती है, हो सकता है कुछ इसमें इशू हो,
लेकिन ओवरऑल चल अच्छा रही है, लेकिन जो GT वाले साउंड है वो आप इसमें मिस करने वाले हो, वो इसमें साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो इसमें सिंगल एग्जॉस्ट है, और सिंगल एग्जॉस्ट होने के बाद भी इस एग्जॉस्ट की नोट जो है वो बस नॉर्मल है, जैसे कि आपको सुपर मिटिया मिटियोर 350 में मिलती है, साउंड क्वालिटी वही रहेगी। तो गाइज अब दोबारा चलते हैं वापस। स्किड करने वाली कमी ने मेरा थोड़ा सा दिल जो है मुंह में ला दिया कि क्यों ये बाइक स्लिप हुई, इस बारे में भी बात करेंगे बाद में। क्यों ये बाइक स्लिप हुई है वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ऐसे तो कभी मेरी जावा भी स्लिप नहीं हुई जैसे आज ये स्लिप हुई है। फिलहाल चलते हैं शोरूम की तरफ। पिकअप इंजन काफ़ी अच्छा है, स्लो इजी सेल इसका इंजन है, बट क्यों ये बाइक स्लिप हुई वो मैटर ऑफ फैक्ट अभी तक नहीं समझ में आ रहा मेरी। साउंड क्वालिटी आप देख सकते हो, ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी इसकी है, मतलब ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अब राइड क्वालिटी का कंफर्ट की बात करूँ तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल ये बाइक है बैठने में, और हैंडल बार कंट्रोल अच्छा है, वाइब्रेशन भी मिनिमल, मतलब वाइब्रेशन तो है ही नहीं क्योंकि इंजन काफ़ी वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करता है इसका, वाइब्रेशन लेस इंजन। नो डाउट बाइक अच्छी है, ब्रेकिंग भी अच्छी है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, हो सकता है कोई इशू हो उस टाइम पे या स्पीड ज़्यादा हो इसलिए बाइक थोड़ी सी स्लिप कर गई थी, लेकिन फिर भी कम से कम ये है कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी ऑलमोस्ट, बस बच गई, वरना तो फिसलना तय था मेरा। वो बाइक वाला अगर नहीं होता तो हाँ मैं ईजिली बच जाता, डर मुझे ये था कि बाइक वाला नहीं गिर जाए क्योंकि उसके साथ फैमिली थी। सस्पेंशन भी अच्छा है, इसीलिए राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी। इसके जो मिरर्स हैं ना वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, मतलब 42 मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है, और इसके जो बार एंड मिरर्स हैं, बार एंड पे तो नहीं है, ये ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन ये विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब मुझे थोड़ी सी भी अपनी जो गर्दन है वो टिल्ट नहीं करनी पड़ रही ज़रा सी भी, और मैं एकदम इनमें देख सकता हूँ कि पीछे कोई है, साइड में कोई है। ये लग तो थोड़े ऑड रहे हैं, लेकिन हाँ यूजेबल हैं, यूजफुल तो हैं, मेरे यहाँ लगे हुए हैं यानी कि 42.1 में, लेकिन उनसे बेटर ये है, भले से हाँ थोड़े से अजीब लगे लेकिन विजिबिलिटी इनकी अच्छी है। मुझे ज़रा सा भी अपना जो है ना, मैं एकदम से ब्लिंक करके देख सकता हूँ कि हाँ कोई है नहीं, मुझे ज़रा सी भी अपनी नेक को टिल्ट नहीं करना पड़ेगा या टर्न करना पड़ेगा। सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं इसे ऑलमोस्ट 30 से 40 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी, और कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब अंडर थाई सपोर्ट भी साइड में से थोड़ी मिल रही है, और बैक के लिए तो मतलब एकदम अच्छा पॉस्चर इसका है। अब अगर गलियों की बात करूं तो यहाँ भी राइड करना इजी है, ऐसा नहीं है काफ़ी हैवी बाइक लगे, इजी टू सेल बाइक है, और ओवरटेकिंग में भी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ आपको थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है हैंडल बार या कुछ, ज़बरदस्त एकदम निकल जाती है, देखो मज़ेदार बाइक है। BSA मतलब ऑलरेडी लेजेंडरी ब्रांड है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं है मार्केट में आए हैं, पुरानी कंपनी है। बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी छोटी छोटी स्क्रीन है, ये दिख नहीं पा रहा, ये थोड़ा सा अपग्रेड हो सकता था, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन, ये थोड़े से ये जो राउंड शेप मीटर्स हैं ये बड़े हो सकते थे, क्योंकि यहाँ से देखने में अगर मुझे फ्यूल गेज देखना है तो बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाना चाहिए था। ये अगर बड़ा हो जाता इससे तो थोड़ी मुझे यहाँ से विजिबिलिटी अच्छी हो जाती, अगर मुझे राइड करते हुए कुछ भी स्टैटिस्टिक्स देखने हैं तो वो इससे बेटर हो जाते हैं अगर ये मीटर थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाते हैं। अगर मीटर भी बड़े नहीं होते तो कम से कम ये डिस्प्ले जो है छोटी छोटी ये बड़ी हो जाती। TMU पे हूँ मैं, फिर भी अगर
अगर GT से भी कंपेयर ना करें तो ओवरऑल साउंड इसकी अच्छी है, डिसेंट इंजन साउंड है। और जब रेव कर रहे हैं तो थोड़ा सा थंप महसूस हो रहा है इंजन का, और हैंडल बार पे पूरा पुश महसूस कर सकता हूँ मैं कि कितना ये पिकअप अच्छा दे रही है। अब बात कर लेते हैं पॉट होल्स एंड झटकों की। तो यहाँ अच्छे खासे पॉट होल्स हैं और कंट्रोल बाइक का मेंटेन्ड है, और ग्राउंड क्लियरेंस तो बाइक का अच्छा है, तो नीचे लगने की तो टेंशन नहीं है, बट आपको आराम से निकालने में एकदम कोई इतना हैवी बाइक नहीं लगेगी। इवन इट इज़ 650 बाइक, बट आपको फिर भी इतनी हैवी नहीं लगेगी। आपको हैंडल बार काफ़ी स्मूथ है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ हैंडल बार मुझे अपनी जावा से भी स्मूथ लग रहा है, क्योंकि पहले तो ये नई है बाइक, कौन साइड इसका नया है, और थोड़ा सा उससे कम वाइड है क्योंकि मेरे बार मिरर से लगे हुए, तो थोड़ा सा मुझे वो हैवी ईजीली लगता है। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है सस्पेंशन, लेकिन ओवरऑल कंफर्टेबल बहुत है क्योंकि सीट की कुशनिंग भी अच्छी है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस इस बाइक की ज़बरदस्त है। अभी देखो मैं खड़ा होकर चला रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। मतलब इजी टू कंट्रोल है, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप सिटी में भी चला रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ ये सोच के लेंगे यार लॉन्ग ट्रिप्स पे जाऊंगा तो ये निकालूंगा, आप डेली कंप्यूटर बाइक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी इजी लग रहा है हैंडल बार, मतलब आराम से स्मूथ चल रहा है हैंडल इसका। नई बाइक होने की वजह भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हैवी नहीं लग रही है मुझे, बाइक लाइट वेट ही लग रही है। अब मेरा वेट है 76 kg और हाइट है मेरी 5'8". फीट मेरे देख सकते हो, मेरा ग्राउंड में पूरा कंट्रोल है और दोनों फीट मेरे पूरे आराम से मैं ज़मीन पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और ऐसा कोई इशू नहीं है कि हाँ हाइट ज़्यादा है, जो कि मुझे FJ42 की हाइट ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जावा 42 2.1 की तो हाइट बिल्कुल ही कम है, मतलब उसकी तो सीट हाइट काफ़ी कम है। पाकवड़ा जैन नाजिम का गाँव है भाई ये पाकवड़ा। हम आ चुके हैं नाजिम भाई के गांव, जैन भाई के गांव में हैं हम इस टाइम, जो कि है पाकपड़ा। ज़बरदस्त पिकअप, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देख सकते हो, ज़बरदस्त। फ़िलहाल मैं गलियों में हूँ और यहाँ रश भी काफ़ी हो रहा है, तो ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग आप देख सकते हो, इजी टू कंट्रोल, इजी टू सेल बाइक है। देखो कितनी क्विक शिफ्ट है, एकदम ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त क्विक शिफ्ट बाइक है। हाईवे पे तो सिर्फ आपको स्पीड का पता चल सकता है, लेकिन कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग आपको जहाँ जैम्स मिलते हैं वहाँ इस बाइक का आप कंट्रोल देख सकते हैं। एग्जॉस्ट नोट और बेटर हो सकता है अगर इसका हम DB क्लर रिमूव कर दें, फिलहाल इसमें DB क्लर इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी जब हमने स्टार्ट की थी जब थोड़ी सी मिसिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन वो अभी भी है। अगर हम 6000 या 5000 RPM के आसपास जाते हैं तो हमें वो मिसिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मज़ेदार ये बाइक एक्सपीरियंस रहा भाई, मेरा मज़ा आ रही है इसे राइड करके। मज़ेदार एक्सपीरियंस था भाई, मज़ेदार। अभी मैंने शोरूम पे पता किया कि ये स्लिप क्यों की, तो उन्होंने पता है क्या बताया कि इसका ABS ऑफ है, क्योंकि इस बाइक की बिलिंग अभी नहीं हुई है इसलिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ है, और दैट्स व्हाई ABS इज आल्सो ऑफ। अब जब भाई ABS ऑफ है तो ऑब्वियसली मतलब स्लिप ही करेगी बाइक। ऊपर से इसमें ब्रेम्बो का ब्रेकिंग सिस्टम है, मतलब जो कि बहुत ही तगड़ा ब्रेकिंग सिस्टम है। ये ब्रेकिंग सिस्टम मतलब बिना ABS के आपकी बाइक स्लिप ही करेगा, क्योंकि हल्के से ही टच करते एकदम वो पूरा जैम कर देता है दोनों ही व्हील्स को। सो द पॉइंट इज कि बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ABS ऑफ था इसलिए स्लिप की है, तो बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली अब बात आ जाती है कंक्लूजन पे कि क्या ये तुम्हें बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो इस बाइक के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, जो कि मैंने 2.5 घंटे की राइड में फाइंड आउट किए हैं। तो सबसे पहला आ जाता है इसका इंजन परफॉर्मेंस। तो इसका 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन ये उतना रिफाइंड नहीं है जितना GT इंटरसेप्टर का 650 सीसी इंजन आता है। ट्विन पैरेलल इंजन को मतलब ये नहीं लग सकता, ये अच्छा इंजन है, लेकिन जो GT में या इंटरसेप्टर में इंजन आता है भाई वो बहुत रिफाइंड है, और उसकी साउंड क्वालिटी मतलब हर्ट मेल्टिंग।
सेटिंग है। मे भी ऐसा हो सकता है इसमें दूसरा कोई एग्जॉस्ट डाले हम तो इसकी साउंड क्वालिटी बेटर हो जाए, लेकिन फिर भी ट्विन पैरेलल का साउंड मतलब ये मैच नहीं कर सकता है। सीट हाइट इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि काफी कंफर्टेबल ये राइड रही है जो मैं करके आया हूँ अभी। स्टाइलिंग लुक सब अच्छे हैं, बट इस इंजन के हिसाब से इस बाइक का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। आई थिंक प्राइस इसका थोड़ा सा कम होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इतना पैसे खर्चने जा रहे हो तो फिर ट्विन पैरेलल इंजन की जगह इसको क्यों लोगे। बट हाँ, हैंडलिंग के लिए बहुत जबरदस्त है। इंटरसेप्टर है जीटी से इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। मैंने हैंडल भी पूरा छोड़ के देखा है 120 के अराउंड, मतलब कोई वॉबल और ऐसा कोई इशू हैंडलिंग में नहीं आया मुझे। और अगर हैंडलिंग कंट्रोलिंग अच्छी नहीं होती ना तो जहां मैं बचा हूं वहां कोई हिसाब नहीं था बचने का मेरे, क्योंकि 150 के अराउंड मेरी बाइक थी उस टाइम पर, और इस स्पीड पे ऐसी बाइक को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट है। इस इंजन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें हीटिंग इशू मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा भाई, क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड इंजन है और इतनी हाई परफॉर्मेंस के बाद मैंने काफी इसे रेव किया उसके बाद भी बाइक में मुझे ना के बराबर हीटिंग इश्यूज लग रहे थे, जबकि इतनी हाई परफॉर्मेंस पे इतना रेव करने पे जीटी 650 या इंटरसेप्टर दोनों ही पैर जला देते हैं। और इसका वेट जो है वो इंटरसेप्टर से अराउंड 12 केजी कम है, तो थोड़ी सी लाइट ये बाइक होने वाली है क्योंकि इंटरसेप्टर या जीटी 650 काफी हैवी बाइक्स हैं। ओवरऑल अगर आप एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन वाली बाइक देख रहे हैं 650 सीसी के सेगमेंट में तो ये एक अच्छा पैकेज है, क्योंकि इसे काफी लॉन्ग टूरिंग आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हीटिंग इशू इसमें नहीं है और हैंडलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। इसकी साउंड क्वालिटी को अगर आप रॉयल एनफील्ड से कंपेयर ना करें तो परफॉर्मेंस बाइक की बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राइस में बीएसए ने एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर नहीं दिया है जो कि रॉयल एनफील्ड अपनी 650 सीसी वाली बाइक्स में देता है। ओवरऑल मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी अब तुम लोग डिसाइड करो तुम्हें किस में जाना है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।